नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का मिक्स क्वेश्चन पेपर का टेस्ट लेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपके एग्जाम में इसी क्लास से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का टेस्ट होगा, जो आर्मी के पिछले पेपर में बहुत बार पूछा गया, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका टॉप 50 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का टेस्ट में कितना सही होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूं, कम से कम आपको 45 का सही जवाब देना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर इज हवा महल लोकेटेड, यानी कि हवा महल कहां अवस्थित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है हवा महल कहां अवस्थित होता है। ऑप्शन आपका बेंगलुरु, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी जयपुर। तो देखिएगा, हवा महल जो होता है वो आपका जयपुर में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इंडिया गेट कहां पर होता है, तो इंडिया गेट जो होता है आपका दिल्ली में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है। जल्दी से बताना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन होता है। ऑप्शन आपका नागा अर्जुन सागर बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा बांध या ऑप्शन डी कोसी बांध। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध जो होता है वो आपका हीराकुंड बांध होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हीराकुंड बांध कौन से नदी पर है, तो हीराकुंड बांध जो होता है आपका महानदी पर है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन को। तीन नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका 350, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 535 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है आपका 552 हो सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन की ओर। चार नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑन विच डे इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताने कि सेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो देखिए, सेना दिवस जो होता है वो आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस जो होता है आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन और पांच नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर इज मोहम्मद गौरी द रूलर, यानी कि मोहम्मद गौरी कहां का शासक था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताना है मोहम्मद गौरी कहां का शासक था। ऑप्शन आपका पेरिस है, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी ईरान। तो देखिएगा, मोहम्मद गौरी जो था वो आपका अफगानिस्तान का शासक था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन और छह नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। आपको बताना है कि पालक का जो पत्ता होता है उसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन आपका विटामिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी वसा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी आयरन यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन की ओर। सात नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु गिव द स्लोगन जय हिंद। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। जल्दी से बताना है जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो देखिए, जय हिंद का नारा जो दिया गया था वो आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, जौनपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका गंगा, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी गोमती या ऑप्शन डी यमुना। तो देखिए, जौनपुर जो होता है वो आपका गोमती नदी के किनारे पर बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन को। नौ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। जल्दी से बताना है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था वो आपका 1576 में लड़ा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु शुड स्टोर सोडियम मेटल इन, यानी कि सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए। ऑप्शन आपका एल्कोहल में, ऑप्शन बी मिट्टी का तेल में, ऑप्शन सी जल में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सोडियम धातु का संग्रहण जो करना चाहिए वो आपका मिट्टी का तेल में करना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ प्लेसेस, यानी कि महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका राजस्थान, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी लखनऊ। तो जल्दी से बताना है महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है। तो महलों का शहर जो कहा जाता है वो आपका कोलकाता को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और नवाबों का शहर जो कहा जाता है वो आपका लखनऊ को कहा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे
पूछा है, चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, यानी कि बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है, जल्दी से बताना है बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन चार आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, बाल दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन में बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन आपसे पूछा कि किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है, जल्दी से बताना कि किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी, जयपुर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है, ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन कबड्डी गेम, यानी कि कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आपका 7 है, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 15। तो जल्दी से बताना कि कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है 7, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन आपका ओम है, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी कैलोरी या ऑप्शन डी कैंडेला। तो देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो आपका कैंडेला होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी, यानी कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था। ऑप्शन आपका भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सरदार बलदेव सिंह या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो जल्दी से बताना है पंजाब केसरी का उपाधि किसे दिया गया था। तो देखिए, पंजाब केसरी जो कहा जाता है वो आपका लाला लाजपत राय को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो किया गया था आपका 1885 को किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु इज पॉपुलर एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है। ऑप्शन आपका आनंद, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी करसन भाई पटेल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो कहा जाता है आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार अच्छे से पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी सोनार या ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। तो जल्दी से बताना कि महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी सोनार, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में असमर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होता है। आपको बताना है कि अंधेरे में चमगादड़ क्यों उड़ते हैं, उसका एक कारण आपको बताना है कि उसके मुख से क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन आपका परावैगनी किरणें, ऑप्शन बी ओजोन तरंगे या ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे या ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक तरंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक तरंग, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज अ ब्लू प्लैनेट कॉल्ड, यानी कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका बुध है, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी पृथ्वी। तो जल्दी से बताना है नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो देखिए, नीला ग्रह जो कहा जाता है वो आपका पृथ्वी को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर इज जलियांवाला बाग लोकेटेड, यानी कि जलियांवाला बाग कहां स्थित है। ऑप्शन आपका चंडीगढ़, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी जलंधर या ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो देखिए, जलियांवाला बाग जो होता है वो आपका अमृतसर में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियाई डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां अवस्थित है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका मनीला, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी ढाका या ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है मनीला, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन आपका महानदी, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी मूसी या ऑप्शन डी नर्मदा। तो जल्दी से बताना है हैदराबाद किस नदी के किनारे पर अवस्थित है। तो देखिए, हैदराबाद जो होता है वो आपका मूसी नदी के किनारे पर बसा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर
क्वेश्चन को, 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। ऑप्शन आपका सहारा, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी अटकामा या ऑप्शन डी गेट साइबेरियन। तो जल्दी से बताना है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो होता है वो आपका सहार मरुस्थल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को, 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्रास इज अ मिक्सर ऑफ, यानी कि पीतल किसका मिश्रण है। ऑप्शन आपका लोहा और जस्ता का, ऑप्शन बी लोहा और तांबा का, ऑप्शन सी तांबा और जस्ता का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीतल किसका मिश्रण होता है। तो देखिए पीतल जो होता है वो आपका तांबा और जिंक का एक मिश्रण होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं। ऑप्शन आपका परमाणुक, ऑप्शन बी बायोमास, ऑप्शन सी संभारिक या ऑप्शन डी कार्बन के अपरूप। तो देखिएगा रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन जो कहा जाता है उसे परमाणुक कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को, 29 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है द रेड कलर ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस इज ड्यू टू, यानी कि मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है। ऑप्शन चार आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना है कि मनुष्य का रक्त जो होता है वो लाल किस कारण से होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को, 30 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है विच माउंटेन इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन पर्वत स्थित है। ऑप्शन आपका अरावली है, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी नीलगिरी या ऑप्शन डी मैकाल। तो जल्दी से बताना है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन पर्वत स्थित है। तो देखिए भारत की उत्तरी सीमा पर जो होता है वो आपका हिमालय पर्वत स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को, 31 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश का एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है इस राज्य का नाम बताना है। आपको बताना है कि देश का एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन आपका मिजोरम है, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी मणिपुर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी नागालैंड, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को, 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है वेयर डू रेड ब्लड सेल्स फॉर्म इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहां पर बनती हैं। ऑप्शन आपका हृदय, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी अग्नाशय या ऑप्शन डी गुर्दे। आपको बताना है कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है। तो देखिएगा आरबीसी का निर्माण जो होता है वो आपका अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो आपका 120 दिनों का होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन को, 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन चार आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका H2O2 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका NaCl होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और पोटेशियम क्लोराइड का KCl होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को, 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है पीछे देखने के लिए मोटर कारों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पीछे देखने के लिए मोटर कारों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन को, 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हेन डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट कम टू इंडिया, यानी कि सिकंदर महान भारत कब आया था। ऑप्शन चार आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना है कि सिकंदर महान भारत कब आया था। तो देखिए सिकंदर महान जो भारत आया था वो आपका 326 BC को आया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी 326 BC यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को, 36 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का वेग कितना होता है। ऑप्शन चार आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना है प्रकाश का वेग कितना होता है। तो देखिए प्रकाश का वेग जो होता है वो आपका 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन की ओर, 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है। आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन आपका हिंदू, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म या ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी बौद्ध धर्म, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन की ओर, 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिशा बताने वाला यंत्र का नाम, आपको बताना है कि जो दिशा बताता है उस यंत्र का नाम क्या होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी कंपास, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आप कंफ्यूज मत होना, डायरेक्शन मीटर नहीं होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी कंपास यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन की ओर, 39 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो होता है वो आपका ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका
ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है इन विच स्टेट इज द नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड, यानी कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से बताना कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी उत्तराखंड, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण से होता है। आपको बताना है कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण से होता है। तो देखिए पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वो आपका दैनिक गति के कारण से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख लोक कला शैली है। ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी बिहार। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी महाराष्ट्र, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन आपका शुक्र है, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी मंगल। तो जल्दी से बताना है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है। तो देखिए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वो आपका शुक्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, यानी कि फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन को। 45 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, यानी कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका डिगबोई है, ऑप्शन बी हल्दिया, ऑप्शन सी नूनामती या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है डिगबोई, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। डिगबोई जो होता है वो आपका असम में है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, यानी कि निम्न में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि चारों ऑप्शन में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी नवीकरणीय संयंत्र, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है वेयर वाज जिंदाज फर्स्ट ट्रेन रन फ्रॉम मुंबई, यानी कि भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से कहां तक चलाई गई थी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका पुणे है, ऑप्शन बी सूरत है, ऑप्शन सी ठाणे या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो देखिएगा भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो पैसेंजर चलाया गया था वो आपका मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच में चलाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब चला गया था, तो आपका 1853 में चला गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन को। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मेनी पार्टिकल इन अ मोल, यानी कि एक मोल में कितने कण होते हैं। ऑप्शन 4 आपके सामने है, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन को। 49 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट गैस बबल्स कम आउट ऑफ अ सोडा वाटर बोतल, यानी कि सोडा वाटर की बोतल से किस गैस के बुलबुले निकलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बस्तर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो जल्दी से बताना है कि बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो देखिए बस्तर जिला जो होता है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन को। 51 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर दो, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर दो और अपने हर दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, कम से कम 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इज द अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताना है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र जो होता है वो आपका लैक्टोमीटर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज का क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त जाते जाते एक एक लाइक कर दो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करो। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।